भारतीय जनता पार्टी जो है वो ड्रग्स, नशा, गुंडा, नफरत, इन सब के सारे पूरे हिंदुस्तान को चलाना चाहती है। ड्रग्स का कारोबार गुजरात से धीरे धीरे करके पूरे देश में अपनी जड़ें जमा चुका है। जो पूरा रैकेट है ड्रग्स का, ये भारतीय जनता पार्टी सुनियोजित तरीके से पूरे देश में फैला रही है। जो गुजरात की ही जेल में बंद है, वो कभी सिद्धू मूसेवाला को मरवा देता है, कभी महाराष्ट्र में ही 3 हत्याएं करवा चुका है, वो आगे हत्या करने के लिए जो है वो वहाँ खुलेआम बयान दे रहा है। भाजपा है, आरएसएस है, वो तो मुसलमानों के दुश्मन है। हमने वहाँ भाजपा को खत्म करने की कसम खाई है। जब तक पूरी तरीके से ईवीएम बैन नहीं हो जाती है। अभी हम हैं यूथ कांग्रेस कार्यालय में और हमारे साथ हैं कांग्रेस नेता गोपाल तिवारी, जो कि खुद युवा नेता हैं। क्या कहना चाहेंगे, जिस प्रकार से नशे का कारोबार जो चल रहा है दिल्ली में, लगातार ड्रग्स पकड़ी जा रही है और गुजरात में भी कल दिल्ली पुलिस ने गुजरात पुलिस के साथ छापा मारा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो ड्रग्स, नशा, गुंडा, नफरत, इन सब के सारे पूरे हिंदुस्तान को चलाना चाहती है और यही कारण था शायद वो संविधान को लगातार नकारने की बात करते रहे। आप देखिए, ड्रग्स का कारोबार गुजरात से धीरे धीरे करके पूरे देश में अपनी जड़ें जमा चुका है। हरियाणा उसकी गिरफ्त में है, पंजाब पहले से उसकी गिरफ्त में है, दिल्ली भी धीरे धीरे उसकी गिरफ्त में आ रहा है और ये इसकी जो जड़ है वो उत्तर प्रदेश, बिहार की ओर भी अब धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गई, जहाँ इस ड्रग्स और इस नशा को किनसे कोई लेना देना नहीं था और ये सब कोई और नहीं कर रहा है, इसका पावर सेंटर बना हुआ है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और पूरी तरीके से उसको संरक्षण। मैं तो कल हंस रहा था जब मैंने कैलाश विजयवर्गीय का एक बयान सुना, वो अपने ही मुख्यमंत्री से खड़े होकर के राजस्थान के मुख्यमंत्री पर सवाल खड़ा कर रहे थे कि इसकी जड़ें मुझे मालूम है कि राजस्थान से कैसे कनेक्टेड है, मैं उन पुलिस वालों को जानता हूँ जिनके माध्यम से ड्रग्स आता है। तो ये जो पूरा रैकेट है ड्रग्स का, ये भारतीय जनता पार्टी सुनियोजित तरीके से पूरे देश में फैला रही है और इसी की आड़ में तमाम वो मुद्दे, चाहे रोजगार हो, चाहे महंगाई हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, उद्योग धंधे हो, व्यवसाय हो, सब कुछ चौपट करके रख दिया है। और इसीलिए आज हमारे यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब जी ने, मतलब अपनी कुर्सी पर बैठने से पहले उन्होंने ये लाइन ही दे दी कि नशा नहीं, रोजगार चाहिए। लेकिन भाजपा के लोग कह रहे हैं कि चुनावी नतीजों की बात कर रहे हैं तो जनता उनके साथ है। आपने हरियाणा का अभी नाम लिया बीच में और हरियाणा में भी उनकी सरकार बन गई। जम्मू कश्मीर में जहां से उदय भानु चिब आते हैं, ठीक है वहां कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी, लेकिन हरियाणा में बेरोजगारी एक मुद्दा था और वहां पे कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई। देखिए, हर चीज़ जीत और हार से तय नहीं होती है। आप जीत जाएंगे तो आप ड्रग्स का कारोबार चलाएंगे देश में, आप जीत जाएंगे तो मर्जी जो काम करेंगे आप। हर चीज जीत और हार से तय नहीं होती है। आपकी सरकार बनी है, जनता ने यदि आपको वोट दिया है, पहली बात तो आपकी जनता के द्वारा चुनी गई सरकार नहीं है, ईवीएम के द्वारा चुनी गई सरकार है। हम लगातार उस पर सवाल पहले से भी उठाते आए हैं, आज भी उठा रहे हैं, कल को बैलेट से होने लग जाएंगे ना तब भी हम उठाते रहेंगे जब तक पूरी तरीके से ईवीएम बैन नहीं हो जाती है। दूसरी बात यह है कि हर चीज का फासला अगर जीत और हार से तय होने लगे तो फिर ये देश में लोकतंत्र किस बात का? आपके पास सत्ता है, पावर है, पैसा है, गोली है, बंदूक है, आपके पास जो है पूरी सिक्योरिटी है, आप चाहे तो 24 घंटे में पूरी प्रक्रिया ही खत्म कर सकते हैं, एक तरफा सिस्टम आपका होगा। इस तरीके से तय करेंगे आप इस देश में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये सुनियोजित तरीके से पूरे देश को बर्बाद करने की, नशे में झोंक करके देश के युवाओं को किसी अलग डायरेक्शन में मोड़ने की एक बहुत बड़ी साजिश है, जिसके लिए कांग्रेस लगातार से लड़ती रही और यूथ कांग्रेस दम भर के इसके साथ लड़ेगी, चाहे कुछ भी करना पड़े। बाबा सिद्दीकी की मौत होती है महाराष्ट्र में, वहाँ चुनाव होने वाले हैं और जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई गैंग ये जिम्मेवारी लेता है, किस प्रकार से गुजरात की जेल में बंद रहकर एक, ये कौन सा पैटर्न चल रहा है कि गुजरात एक जेल से एक आदमी जो है हत्याएं करवा रहा है बाहर लोगों की? ये तो बीजेपी से सवाल है हमारा और वो जो मामला है वो भी ड्रग्स से ही जुड़ा हुआ है। वो जो लड़के हैं सामान्य घरों के लड़के हैं, उनको भी इसी तरीके से ड्रग्स दे दे करके, कोगिन दे दे करके उनके दिमाग का हरण किया गया पूरी तरीके से, उनके हाथ में बंदूक थमा दी गई, तमंचे थमा दिए गए, कट्टे थमा दिए गए उनके हाथ में, बोले जाओ कत्ल कर दो, 10 लाख 20 लाख 30 लाख रुपए दे दिए गए उनके, जाओ मार के आओ। आप देखिए, एक नादान सा छोरा जो गुजरात की ही जेल में बंद है, वो कभी सिद्धू मूसेवाला को मरवा देता है, कभी महाराष्ट्र में ही 3 हत्याएं करवा चुका है, वो आगे हत्या करने के लिए जो है वो वहाँ खुलेआम बयान दे रहा है, टीवी से आप उसके इंटरव्यू करवा रहे हो, तो ये कैसे हो रहा है?
उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जो है वो इस बात का सेलिब्रेशन कर रहे हैं कि इसराइल में जो है उत्तर प्रदेश से 5000 लोग जो है जाकर काम कर रहे हैं, जबकि वो देश युद्ध में गिरा हुआ है, उसके पड़ोसी लगातार मिसाइलें दाग रहे हैं। क्या कहेंगे इस बात पे? योगी आदित्यनाथ जी जब नेता नहीं बने थे उस समय वो कैसे बयान देते थे? अच्छा, एक और सवाल है कि जिस प्रकार जेल से लॉरेंस बिश्नोई हत्याएं करवा रहा है, उसी प्रकार लखनऊ में पुलिस कस्टडी में अमन गौतम नामक एक युवक की मौत होती है, दलित है, और दलितों की लगातार पुलिस कस्टडी में मौत हो रही है, ये कौन सा प्रश्न, किस क्या कहना चाहिए? आप दलित ही क्योंकि बात कर रहे हो, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा ब्राह्मणों की हत्या करवाई जा रही है। अभी बहराइच में ले लो आप, कोई राजपूत मरा होता ना, अब तक ये लोग पूरे बहराइच को जला देते, लेकिन ब्राह्मण मरा था इसलिए चुप। सलम मणि त्रिपाठी जैसे कभी पत्रकार होते थे, रात दिन आप उनका ट्विटर हैंडल खोल करके देखो, रात दिन आग लगाने का काम कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन उन्हें प्रोटेक्ट कर रहा है, सरकार उन्हें प्रोटेक्ट कर रही है, और इसीलिए तो मैं कह रहा हूं ये लोग अपने घरों में बैठ करके लगातार उकसाने का काम कर रहे हैं, और सामान्य घरों के बच्चे वो पूरी तरीके से जज्बात में आकर के जो है भीड़ का हिस्सा बनते हैं, मारे जाते हैं। आप देखिए वो जो लड़का मारा गया राम गोपाल मिश्रा, उसके घर में पक्की दीवारें तो छोड़ो, पक्की छत छोड़ो, कच्ची छत नहीं है, कच्ची दीवार नहीं है। क्या कहेंगे, पहले मुसलमान फिर दलित, और अब उसके बाद जो है गोपाल मिश्रा और आर्यन मिश्रा जैसे लोगों की भी जो हत्याएं होने लगी, क्या कहेंगे? क्या हिंदू की बात कर रहे हैं, क्या मुसलमान की बात कर रहे हैं, क्या दलित, क्या ठाकुर, इनके निशाने पर देश की व्यवस्था है, वो व्यवस्था जो भाईचारे की व्यवस्था है। ये देश में भाईचारा खत्म करके पूरी तरीके से एक अजीबोगरीब तरीके का डर कायम करके अपनी सत्ता लंबे समय तक हासिल करके रखना चाहते हैं, जो कि किसी भी कीमत पर संभव नहीं है। लेकिन वो तो कहते हैं कि रामराज चल रहा है, अमृतकाल चल रहा है। रामराज देख लिया ना, राम ने तो ठोकर मार दी, अयोध्या से भगा दिया आपको, कौन से रामराज की बात कर रहे हैं? अब तो आप बोलते भी नहीं है, राम का नाम भी नहीं लेते हैं आप। चलिए, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ गोपाल तिवारी जी थे, युवा नेता, और किस प्रकार से इन्होंने बताया कि अब तो इन्होंने राम का नाम लेना भी बंद कर दिया है, और भी बहुत सारे लोग हैं। कहाँ से आए सर, आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं कश्मीर से। हाँ, कश्मीर से आए आप, तो उदय भानु चिप वो भी कश्मीर से ही है, अब वो यहाँ के इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए, कैसा लग रहा है पहले तो ये बता दीजिए। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि कांग्रेस अभी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यूथ कांग्रेस जो अभी काम करना चाहती है कर रही है, बहुत मेहनत कर रही है युवा के लिए, खासकर जो इन्होंने ये मिशन उठाया है नौकरी दो नशा नहीं, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है देश को बचाने का, युवा को बचाने का, क्योंकि इंडिया को खोखला, सारी ये जो पार्टियां हैं खोखला करने पे तुली हुई है। ये वाहिद एक पार्टी है कांग्रेस पार्टी जो युवा के बारे में सोचती है, गरीबों के बारे में सोचती है। अच्छा, आपने कांग्रेस को, आप लोगों ने कश्मीरियों ने जो इस बार जो है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनाई है, भाजपा को आप लोगों ने क्यों नहीं चुना? भाजपा तो कहती है कि हमने वहाँ जो है बहुत अच्छा काम किया है, भाजपा लगातार बोलती है हमने आतंकवाद खत्म किया है, तो क्या आप लोग आतंकवाद खत्म करने वाले लोगों के साथ नहीं है? जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि भाजपा तो मुसलमानों के पहले से दुश्मन थे, तो भाजपा है आरएसएस है वो तो मुसलमानों के दुश्मन है, तो उनके साथ हम समर्थन करते तो हम गद्दार कहलाए जाते, मतलब इस्लाम से खारिज हो जाते, तो इसलिए उनका समर्थन हमने नहीं किया। हमें चुनना था कुछ नया, तो हमारे अगर आप लोगों ने चुनते तो आपको इस्लाम से खारिज कर दिया जाता है? खारिज की बात नहीं है, मतलब जो किसी के बारे में भी ना सोचे, धर्म 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 हिंदू मुस्लिम कराए, उसका सपोर्ट करना भी अच्छी बात नहीं है ना, उसका अगर हम समर्थन करते तो वो उन्हीं का राज चलता, भाजपा का, आरएसएस का, हमने वहाँ भाजपा को खत्म करने की कसम खाई है। चलिए ठीक है, भाई साहब कहाँ से आए आप? हम राजस्थान से, बीकानेर जिले से, बिश्नोई। अच्छा बिश्नोई जी, तो क्या कहना चाहेंगे, जिस प्रकार से अभी आप लोग नारे लगा रहे थे, तो अभी तो उदय भानु चिब अध्यक्ष बने हैं, नौकरी दो नशा नहीं, लेकिन भाजपा सरकार लगातार कह रही है कि हमने देश में विकास की गंगा बहाई हुई है, क्या कहें भाई? है काम बताओ, काम भाई है कहाँ? नौकरी दी है, हम बेरोजगार बैठे, एम ए बी एड कर रखी है, अभी तक कुछ ना तो नौकरी है ना कोई बात। जो आर्मी में मैं लगना चाहता था, मेरा आर्मी में मैं दो तीन बार गया था, अभी ना अग्निवीर वो जो चला रखी है, मेरा मोह भंगी हो गया कि अग्निवीर चार साल में जाके क्या क्या करेंगे, फिर हमारे को वापस निकाल देंगे, कुछ ना तो दूसरे किसान ही, जो हम किसान हैं खेती का काम कर सकेंगे ना और कोई काम, चार साल जाके वहाँ पे रक्षा, जो हम पहले आर्मी की अग्निवीर भर्ती है वो बंद की जाए और हमारे को रोजगार दिया जाए। भाजपा ने राजस्थान में फिर से सरकार बना ली है और आप कह रहे हैं कि वहाँ जो है कि भाजपा से लोग खुश नहीं है, कहाँ पर्ची सरकार बनी है?
पर्ची सरकार। हाँ पर्ची सरकार, कोई कुछ नहीं है। वो अब उपचुनाव में बता देंगे कि भाजपा सरकार कैसे वो निपट जाएगी, वापिस अब बजनलाल जी को हटा देंगे। चलिए मुख्य चुनाव में नहीं बताएंगे। अच्छा कहाँ से आए आप? झारखंड। झारखंड से। अच्छा झारखंड में चुनाव की घोषणा हो गई है, क्या लग रहा है इस बार इंडिया गठबंधन और जेएमएम वहाँ सरकार बनाने जा रही है या कि भाजपा वहाँ आ रही है? निश्चित तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी मिलकर सरकार बनाएगी, क्योंकि वहाँ पे हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार ने एक अच्छा काम किया। हम काम के आधार पर वोट मांगने जाएंगे जनता के बीच। काम के आधार पे कहाँ, किस जिले से हैं आप लोग? मैं वहाँ से गिरिडीह से, वहाँ का जिला अध्यक्ष हूँ युवा कांग्रेस। आप देखे होंगे जिस तरह से पिछले दरवाजे से महाराष्ट्र में सरकार बनाई गई, उसी तरह से प्रयास झारखंड में भी किया गया था, लेकिन वहाँ की झारखंडी जल जंगल जमीन के लोग हैं हम लोग। हम लोग ये बाहरी लुटेरों को घुसने नहीं देंगे और झारखंडी शेर फिर से मुख्यमंत्री बनेगा हेमंत सोरेन जी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। चलिए ठीक है। कहाँ से आए भाई साहब? राजस्थान से, बाड़मेर से। क्या कहना चाहते हैं आज के दिन पे? आज बहुत हमारे अध्यक्ष साहब ने, राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष भानु साहब ने अध्यक्ष पदभार ग्रहण किया है उनसे, और ये हमारे जो राजस्थान में जो कानून व्यवस्था सौपट हुई है भजनलाल सरकार में, तो आए दिन रेप, आए दिन हत्या हो रही है राजस्थान में, बाड़मेर में आए दिन बजरी माफिया लेके बाड़मेर हमारा मेन मुद्दा है, तो वो जनता परेशान है उसे। लेकिन भाजपा के लोग तो कहते हैं कि हमारी सरकार से वहाँ के लोग खुश हैं, वहाँ भजनलाल जी के नेतृत्व में अच्छी सरकार चल रही है, लगातार टीवी मीडिया में दिखाया जाता है वहाँ। वो भाजपा के कार्यकर्ता खुश है, बल्कि वो आम आदमी वहाँ से खुश नहीं है। अभी उपचुनाव होंगे वहाँ, आपको अभी 7 सीटों पर पता लग जाएगा कांग्रेस सरकार बन रही वहाँ। भाई साहब आप कहाँ से, क्या कहना चाहते हैं? राजस्थान से हूँ मैं। अच्छा राजस्थान से काफी लोग यहाँ आए हुए इस बार, क्या कारण है? जो कि उदय भानु चीफ, हमने काफी लोगों से बात की, राजस्थान के लोग जो हैं सबसे ज्यादा यहाँ आए हुए हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इनकी सदस्य ग्रहण थी आज, तो हम उनके लिए शुभकामनाएं देने के लिए उपस्थित हुए थे। तो राजस्थान में तो खुशी का माहौल है, वहाँ भजनलाल जो है मुख्यमंत्री हैं, भाजपा की सरकार है और विकास की गंगा अमृतकाल चल रहा होगा। ये तो फालतू की सोशल मीडिया पे अफवाह है, पोपड़गंडा है भाजपा आईटी सेल का। राजस्थान में लाइट व्यवस्था सही नहीं है, पुलिस व्यवस्था सही नहीं है, आए दिन अपराध हो रहे हैं, आए दिन मर्डर हो रहे हैं, आए दिन बलात्कार हो रहे हैं, 9-9 साल की 3-3 साल की बेटियों के साथ के बलात्कार हो रहे हैं। क्या राजस्थान में खुशहाल होगा? भजनलाल सरकार से सब परेशान है, ऐसा नहीं है। आप देख रहे हैं सोशल मीडिया आईटी सेल बड़ा चढ़ा के बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। ग्राउंड लेवल पर भजनलाल सरकार जीरो है, उनके कोई कार्यकर्ता, कोई मंत्री, कोई भी नहीं सुनता। तो कांग्रेस की सरकार थी वहाँ पे, तो फिर भाजपा की सरकार आ कैसे गई? भाजपा कुछ कमियां रह गई होगी, हमें भी आगे सुधारने की कोशिश करेंगे हम। चलिए ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आज हमें इंडियन यूथ कांग्रेस में हमने बात की, और सभी लोग जो है भाजपा पे आरोप लगा रहे हैं कि जो है बेरोजगारी कर रखी है, नौकरी दो नशा नहीं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ नेशनल दस्तक, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।